वेलकम टू मल्टीवर्स। नहीं नहीं, आप बस पायलट चैनल पर ही हैं, लेकिन कल रायन रेनॉल्ड्स ने जो अनाउंसमेंट करके इंटरनेट हिला दिया, उसके बाद एमसीयू के मल्टीवर्स को लेकर स्पेकुलेशंस और बढ़ गए हैं। अब सीधे साधे तरीके से देखो तो डेडपूल 3 के अनाउंसमेंट से ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट है वुल्वरीन का रिटर्न। एमसीयू में ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन आना बहुत बड़ा इवेंट होगा। अब तुमको तो ये मालूम ही होगा कि लोगन की स्टोरी लाइन 2029 में एग्जिस्ट करती है। ऐसे में डेडपूल का वुल्वरीन के साथ मर्ज करना हम जैसे फैंस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी पुरानी टाइमलाइन में आ गए हैं। डीसी में बेन अफ्लेक एज बैटमैन वापस आ गए हैं। ताजा र्यूमर्स की माने तो बहुत स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कर रहे हैं कि सुपरमैन के रोल में हेनरी कैविल आएंगे, और D23 के इवेंट में उनकी कास्टिंग अनाउंसमेंट ना होने से ये कंफर्म भी हो रहा है। और अब ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन का रिटर्न। ऐसे में लगता है कि हम अपने उसी पुरानी टाइमलाइन में वापस आ गए हैं जहां हमारे पुराने हीरोज दोबारा से अपने रोल्स करने के लिए रेडी हैं। खैर, यहां एमसीयू की बात करते हैं तो अनाउंसमेंट एमसीयू के मल्टीवर्स सागा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, जबकि हम डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं। फिर भी केविन फाइगी को मालूम है कि उनको करना क्या है। ये फिल्म फेज 6 की फर्स्ट मूवी होने वाली है। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि इसमें कैसे स्टोरी को जस्टिफाई किया जाएगा। उससे भी बड़ी चीज ये कि ये टाइमलाइन को कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखो, सीधा साधा सा गणित है कि ये वुल्वरीन किसी दूसरी टाइमलाइन का एक वेरिएंट होगा। अब क्योंकि प्रोफेसर एक्स और डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स हम पहले ही देख चुके हैं, ऐसे में अपने आइकॉनिक सुपर हीरोज को वापस ना लाना ऐसी भी बेवकूफियां मार्वल नहीं करता। अब फैंस को इससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? देखो, कई रिपोर्ट्स पहले से ही बताती आ रही हैं कि केविन फाइगी कब से एक्समैन को एमसीयू का पार्ट बनाना चाहते हैं, मगर किसी बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से शायद ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मगर केविन फाइगी हमेशा से हमको कुछ नया देने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इसको लेकर मेरा यही कहना है कि इसके पीछे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली तो ये कि कैंग के मल्टीवर्स की ऐसी की तैसी करने के बाद उसका असर एक्समैन पे भी पड़ा होगा, क्योंकि फॉक्स स्टूडियोज का एक्समैन अपनी टाइमलाइन को लेकर हमेशा से कंफ्यूज ही करता आया है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस मल्टीवर्स की चतुराई के बाद से उन कैरेक्टर्स के लिए नए रास्ते खुल गए हों। दूसरा ये भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के क्लाइमैक्स के बाद हमें जिन कैरेक्टर्स को धरती पर आते हुए हिंट मिला और डॉक्टर साहब ने जिस खतरे के बारे में हमें आगाह किया, हो सकता है कि ये उसका आफ्टर इफेक्ट हो। लॉजिकली मुझे वो वाला सीन नए विलेंस के और स्पेशली स्पाइडरमैन विलेन के एमसीयू में एंट्री का रास्ता खोलते ज्यादा दिखा रहे हैं। फैंस का तो ये भी कहना है, और जिस पर मैं भी विश्वास करता हूँ, कि केबल के टाइम ट्रेवल डिवाइस को लेकर डेडपूल टाइम ट्रेवल करके वुल्वरीन को अपने साइड ले सकता है। डिपेंड करता है कि डेडपूल 3 का विलन कौन होगा, मगर अभी जिस हिसाब से चीजें लग रही है, मुझे फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा असरदार लग रहा है। फिर भी लास्ट ऑप्शन को भी डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वेरिएंट के पास्ट स्टोरी से हम फेमिलियर हैं, और वहीं हम इस वेरिएंट से इतना ज्यादा प्यार भी करते हैं, उसकी स्टोरी से हम जुड़े हुए हैं। जो भी हो, मगर ये पक्का है कि अब यहाँ से एमसीयू का मल्टीवर्स हमें नए सरप्राइजेस देने वाला है। साथ ही हम फैंस को कुछ ऐसा मिलने वाला है जो हम बहुत दिनों से मांग कर रहे थे, इसीलिए मार्वल फैंस द्वारा इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि वो फैंस की सुनता भी है और कभी ना कभी उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। आपकी क्या थ्योरी है? अगर आपको भी स्टोरी के बारे में कुछ भी शेयर करना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर देना। आप लगातार हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं कि हम 200 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गए हैं। जल्दी ही आगे भी बढ़ेंगे। नंबर्स बहुत छोटे हुए तो क्या हुआ, मेहनत बड़ी होगी। टिल देन, दिस इज बस पायलट साइनिंग आउट।